तेजी से चले रहे हैं। पहले किसान किशोर जी अपना बिहार की जनता के लिए। नमस्कार, सब गोटे के स्वागत है भारत उदय समाचार के एक विशेष कवरेज में। हम दरभंगा के हनुमान नगर प्रखंड के शोभेपट्टी थलवारा गांव में मौजूद छी और महादेव मंदिर अति प्राचीन महादेव मंदिर है जहां जे खासकर नवविवाहिता छथिन तब फुल्लोरी करे लेल आयल छला। हिनका सबसे जानबन कि हिनकर रिवाज की छे गाँव में और जे लोक गीत गाबि रहल छथि खासकर महादेव पार्वती के पूरा महीना जे सावन महीना छे महादेव के लेल ही समर्पित छे और महादेव और पार्वती के जे खासकर पूर्णतः पूजा होइ छे मधुश्रावणी के खासकर इमे नाग देवता के पूजा होइ फिर विषहरा के पूजा होइ ए सब बारे में इनका सबसे जानब। ई थलवारा में हम मौजूद छी शोभेपट्टी थलवारा में। आठ गो एबेर नवविवाहिता छथि जे एबेर पूजा केला हन अपन पति परमेश्वर के लेल अपन परिवार के लेल सुख समृद्धि के लेल हुनका खासकर लम्बा आयु के लेल ई सब पूजा पाठ कऽ रहल छथि। और सबसे जे ई महान जे सभ्यता छे खासकर मैथिली मिथिला के लेल देखैत रहू भारत उदय समाचार जगजीत के साथ। भारत उदय समाचार के धन्यवाद दै छी जे हम मिलैत और हमरा सब के ई रिवाज के बहुत दूर तक पहुँचेलैत। और पावन बालम संगे पूजितौ मन छल पावन बालम संगे पूजितौ बालम ने आयल हमारी गे बालम ने आयल हमारी गे मन छल पावन बालम संगे पूजितौ मन छल पावन बालम संगे पूजितौ बालम ने आयल हमारी गे बालम ने आयल हमारी गे सासुनी दौड़े दीदारी दोने जाने सासुनी दौड़े दीदारी दोने जाने नहीं दलखिन भाड़ो पठाई गे नहीं दलखिन भाड़ो पठाई गे मन छल पावन बालम संगे पूजिताऊ मन छल पावन बालम संगे पूजिताऊ बालम ने आयल हमारी गे बालम ने आयल हमारे नन दोनी सखनी सख ने जान नन दोनी सखनी सख ने जान नहीं दलखिन डाली सजाए गे नहीं दलखिन डाली सजाए गे मन छल पावन बालम संगे पूजिताऊ मन छल पावन बालम संगे पूजिताऊ बालम ने आयल हमारे गे बालम ने आयल हमारे गोतनी नी सखनी सख ने जान गोतनी नी सखनी सख ने जान नहीं दलखिन गौड़ो पठाई गे नहीं दलखिन गौड़ी बनाए हे मन छल पावन बालम संगे पूजिताऊ मन छल पावन बालम संगे पूजिताऊ बालम ने आयल हमारे हे बालम ने आयल हमारे हे। दरभंगा के हनुमान नगर प्रखंड के थलवारा गांव से सीधे तस्वीरें दर्शन कर पा रहे हैं। आशीर्वाद लीजिए घर बैठे शंभुनाथ महादेव और घिमेश्वर महादेव यहां पर अमर भारती पुजारी हैं, यहां पूजा पाठ करते हैं। देख सकते हैं महादेव का दर्शन करिए। आज मधुश्रावणी पूजा के फुल्लोरी में हम पहुंचे हैं महादेव के दर्शन करने के लिए और यहां पर कवरेज के लिए रिंकी मिश्रा यहां पर हैं इस बार और पूजा झा निधि चौधरी तन्नू झा संतना चौधरी और सुप्रीति मिश्रा थलवारा गांव में मौजूद हैं। साथ ही शोभेपट्टी में वही शोभेपट्टी गांव की बात करें तो इस बार काजल झा नेहा झा फुल्लोरी कर रही हैं मधुश्रावणी पूजा कर रही हैं अपने पति के लंबे आयु के लिए पूजा पाठ कर रही हैं। यहां पर सैकड़ों की संख्या में लोग हैं मौजूद और महादेव पार्वती का दर्शन पूजा पाठ कर रही हैं और लोक गीत गा रही हैं। पूरा कवरेज देखिए, इंटरव्यू सुनाते हैं। शोभेपट्टी के गांव के अंदर राम लक्ष्मण सीता मंदिर का भी दर्शन करिए, आशीर्वाद लीजिए। इन सभी बुजुर्गों को देखिए, सभी गांव के मंदिर के प्रांगण में बैठे हुए हैं। आइए इंटरव्यू सुनाते हैं। पूजा चल रहा है, क्या कहेंगे, कितना अच्छा लग रहा है और आपके गांव में क्या रिवाज है, क्या सब कहेंगे?
बहुत अच्छा लागैए और हमरा सबके ई बिना नमक खाए वाला रिवाज छै और एमे नाग देवता के और गौरी माता के पूजा होइ छन और बहुत धूमधाम से ई पूजा कैल जाइ छन और जते भी चीज होइ छन सबटा हुनकर जे भी नवविवाहिता छथिन हुनकर ससुराल से आबै छन और बहुत किछु एहन होइ छन और गीत सब बहुत सारा। अहाँ कोन गाँव गए छी? थलवारा। थलवारा में, थलवारा में की रिवाज छै? जेना 15 दिन तक नमक खाइ छै कि नहि खाइ छै? राति या दुनिया बिना नमक के खाए छथिन और जब तक पूजा नहीं होइ छै सुबह सँ पूजा से पहले तक पानी वाने नहीं पिए छथिन और फिर रात का पानी नहीं पिए छथिन। पूरा त्यौहार अहाँके नीक लागि रहल है कि नहीं? 15 दिन बहुत नीक लागि रहल है। नीक लागि रहल है? कठिन लागैए कि कठिन व्रत छै या पूजा छै? नहीं, थोड़ा थोड़ा कठिन बुझाइ छै, फिर धीरे धीरे थोड़ा आदत पड़ जाए से तो निक लागै छै। निक लागि रहल है। अच्छा ई बताउ जे खासकर अहाँके गर्व है कि नहीं? अहाँ ई समाज से आबै छी से गर्व महसूस होइए कि नहीं? हाँ, बहुत गर्व महसूस होइए जे हम अपन मिथिला समाज के मिथिला समाज से छी, बहुत गर्व महसूस जे एहन एहन पर्व त्यौहार। अच्छा ई पर्व मे की सब होइ छै? जेना गाँव घर मे मेहमान सब आबै छथिन या फिर की सब कहियो? मेहमान सब आबै छथिन, तैयार भऽ जाइ छी, फेर फूल सब लेल कम्पिटिशन भऽ जाइ छै कतऽ सँ मिलत नहि मिलत और बहुत सारे लोग रहे छथिन तो कहीं कंपटीशन भाई से फिर के अथी करिस नहीं करिस वो सब के बारे में। अच्छा ये बताओ जे मतलब एत की छे, मतलब जना मांग में सिंदूर जे होइ छे से टेमी के दिन हेते या टेमी की सब होइ छे जे? मांग में सिंदूर ये सब की जानकारी एखन नहीं भेल। अच्छा आई कथी के कथा छला? आई चनाई पूजा। चनाई? चनाई के? हाँ। कथा कहे छथिन तो मतलब ध्यान से सुनी छी कि नहीं? हाँ। सीख रहल छी? हाँ। किछ गाना सब सीख रहल छी कि नहीं? गाना सब? हाँ, सब आबि रहल। अच्छा ई बताउ कि एगो सवाल जरूर छै, जेना लड़की शादी भऽ जाइ छै ससुराल जाइ छै तऽ जे हमर बहिन या ककरो किनको परिवार के जे लड़की होइ छथिन हुनका सिखायल जाइ छै जे एना पढ़ू ओना बढ़ू एना समाज मे रहै के चाही एना जीवन जीवे के चाही, लेकिन एगो सवाल जरूर छै जे लड़की जखन ससुराल जाइ छथिन तऽ हुनका ई सिखबै के चाही जे ससुराल जाकऽ ई सास हेथिन ई ससुर हेथिन हुनका ई देवर हेथिन एहि तरहके मतलब हुनका ख्याल रखै के चाही या एहि तरहके ओतऽ परिवार मे माहौल रहै छै तऽ की ई सब जागरूक करै के चाही कि नैहर के आदमी के? हाँ। लग रहल है उनके? हाँ, मतलब जे उनका मतलब थोड़ा कम समय लागे छै अपन परिवार में सेटल होए में, तो पहले से पता रहै छै किनका साथ केना अथी के करबाक चाही व्यवहार। की नाम भेल अहाँके? तनु। पिताजी? श्री बाबू श्याम मिश्र। गाँव? थलवारा। मतलब ये मधुश्रावणी पूजा का फरवरी चल रहा है तो कितना अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को। हम लोग इसमें 15 दिन फुलोड़ी करने के जाते हैं, तैयार होते हैं, फिर मेरी फ्रेंड लोग भी आती है सबके साथ में जाते हैं और फिर जगह जगह थलवाड़ा गांव में बहुत सारा मंदिर है, जगह जगह मंदिर पे फूल लोड़ते हैं हम लोग। उसके बाद सुबह में सुबह सुबह उठ के पूजा का तैयारी करते हैं, उसके बाद ना पानी भी नहीं पिया जाता है उस सुबह, पूजा के बाद पानी पीते हैं, कथा होता है, फिर गौरी माता का पूजा होता है, महादेव का पूजा होता है इसमें और चनाई बाबा का पूजा होता है, बिशर का पूजा होता है। पूजा होने के बाद हम लोग उठते हैं तो उसके बाद खाना खाते हैं, बिना नमक का खाना खाया जाता है 15 दिन। उसके बाद शाम में ना फूल लोड़ने के लिए आते हैं। हाँ, और क्या सब जैसे क्या खास लगता है कि मतलब पूरा जो ये पूजा है वो पति के लिए ही किया जाता है? हाँ, ये पति के लिए किया जाता है 15 दिन। उस लास्ट वाला दिन 15वां दिन हस्बैंड आते हैं, उसमें ना टेमी होता है। डर लगता है कि नहीं सुन करके कि टेमी क्या होता है? उसमें बहुत डर लगता है, पका देंगे क्या ऐसा कुछ तो लगता होगा? हाँ, उसमें बहुत डर लगता है। पता चल गया कि क्या सब होगा उसमें? हाँ, पता चल गया। आज किस चीज का कथा था? आज लीली का जन्म जो होता है। हाँ, लीली का शादी का कथा था। सीखने के लिए अच्छा लग रहा है? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। समझ पा रही हैं कि? हाँ, बहुत समझ पा रही हूं। 20 साल के बाद अगर कोई पूछे कि क्या सब हुआ था आप में तो बता सकेंगे? हाँ, बता सकेंगे। हम लोग ध्यान से सुनते हैं, 2 घंटा का कथा होता है, 2 घंटा में पूजा कथा सब कुछ हो जाता है। एक सवाल आपसे भी है कि जैसे शादी होता है ना तो ससुराल जाते हैं लड़कियाँ, तो ऐसा लगता है कि जागरूक करना चाहिए कि ससुराल जाके क्या सब होता है, खासकर ससुर सासू जी या फिर जो ससुराल का जो माहौल होता है, तो क्या ये सब जागरूक करना चाहिए क्या बेटी को? हाँ, जागरूक करना चाहिए सासू माँ का। और सब कुछ तो माँ समझाती है कि भाई पढ़ना कैसे है, बलना कैसे है या समाज में कैसे उठ बैठ करना है, लेकिन ये सब भी होना चाहिए क्या आज के समय में? हाँ, होना चाहिए। क्या सासू माँ का मतलब अच्छे से रिस्पेक्ट करना चाहिए, ससुर जी का रिस्पेक्ट करना चाहिए, देवर रहे तो देवर का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए, ननद रहे तो ननद से फ्रेंड की तरह रहना चाहिए, जैसे ननद जैसे फ्रेंड है वैसे, जैसे बहन है वैसे ननद है, उसके साथ अच्छे से रहना चाहिए,
सासू को माँ की तरह समझना चाहिए, जैसे माँ को समझते हैं वैसे सासू को समझना चाहिए। मेरी मम्मी लोग यही सिखाती है कि सासू माँ को जैसे अपनी माँ को समझती है वैसे समझना चाहिए। सासू माँ जो है ना वो बेटी समान मुझे समझती भी है, बहुत प्यार करती है सासू माँ मेरी। अच्छा, आपको भी समझती है? हाँ, बहुत मानती है मेरी सासू माँ। अच्छी है? हाँ, बहुत अच्छी है। क्या नाम हुआ आपका? रिंकी मिश्रा। गांव? थलवाड़ा गांव। तो गर्व महसूस है ना आपको? हाँ, बहुत गर्व है, मिथिला के वासी हूँ इसलिए। पिताजी का नाम? श्री फूलबाबू मिश्रा। कौन से महादेव मंदिर पर आए थे? ये कौन सा महादेव का लिया? दो गो शिवलिंग छथिन एतो, कतु कतु एगो हर जगह एगो शिवलिंग छथिन, एतो दो गो शिवलिंग छ। चलो धन्यवाद। कंकड़ियो संकड़े को मैं पूजा ऊपर पहाड़ी, नीचा कंकड़ियो संकड़े को ना कर हम पूजा, एक मोने होई है जो लो चढ़ बीताऊ, एक मोने होई है जो लो चढ़ बीताऊ, जो लो ता मछली के झूठ करब हम पूजा ऊपर पहाड़ नीचा कंकड़ियो कंकड़े को ना करब हम पूजा, एक मोने होइए दूधो चढ़ बीता, एक मोने होइए दूधो चढ़ बीताऊ, दूधो तब बछड़ा के झूठा यो संकड़े को ना करब हम पूजा ऊपर पहा नीचा कंकड़ियो संकड़े को ना करब हम पूजा, एक मोने होइए फूलो चढ़ बीताऊ, एक मोने होइए फूलो चढ़ बीता, फूलो तब हमरा के झूठा यो संकड़े को ना करब हम पूजा ऊपर पहाड़ नीचा कंकड़ियो संकड़े को ना करब हम पूजा, एक मोने होइए अच्छत चढ़ बीता, एक मोने होइए अच्छत चढ़ बीताऊ, अच्छत ता चिड़िया के झूठा यो संकड़े को ना करब हम पूजा, ऊपर पहाड़ नीचा कंकड़ियो संकड़े को ना करब हम पूजा। इस त्यौहार से क्या सीखे हैं, क्या सब सीखने को मिला है? इस त्यौहार से हमें ये सब सीखने को मिला है कि हमें बहुत पहले से बहुत डर लगता है कि टेमे के दिन हमें दागा जाएगा, फिर उसमें एक तो फोका होना उसमें जरूरी होता है, फिर उस दिन हमें शुभ दिन होता है, उस दिन हमारे पति हमारे मांग में सिंदूर भरते हैं, फिर पूजा पाठ होता है, उस दिन सबसे ज़्यादा समय लगता है पूजा होने में। उस टेमी के दिन हस्बैंड अपने वाइफ को आंख बंद करता है और जो बिटकौड़ी होती है वो टेमी दागती है, उसमें एक फोका होना भी जरूरी होता है। इस पर हमें बहुत गर्व महसूस हुआ है, पहले से हमें बहुत ज्यादा डर लगता है। ये नहीं लग रहा कि पूरा त्यौहार पति को सम्मान देना, हाँ, अपनी लाइफ को अपने जीवन को संवारना या फिर जीवन में बहुत कुछ सीखने के लिए भी त्यौहार आया है? लग रहा है इस त्यौहार से हमें ये पता चला है कि मेरे हमारे हस्बैंड जो है जो बहुत हमको सम्मान और हमको उनको भी बहुत सम्मान देते हैं, हमें पूरे लाइफ में हस्बैंड को बहुत सम्मान देना चाहिए। निधि कुमारी, गांव तलवारा जी। की कहे चाहे छे पर्व के बारे में, की कहे चाहे छे कते की सिखलिए इन पर्व से? पर्व से बहुत की सीखे के लिए मिले, जेना कि पति के लिए कहल जाए छे जे होय छे मतलब पूरा 15 दिन के व्रत होय छे, ई व्रत में 15 दिन के लिए रोज सुबह के पूजा होय छे, शाम के टाइम में फुलौड़ी के लिए आयल जाय छे, सब अपन जे होय छे 16 श्रृंगार क के पूजा करे लगे छे, फिर शाम में 16 श्रृंगार क के फुलौड़ी के लिए आबे छे, फिर एतय सजा के डाली सजा के लेल जाय छे घर, फिर सब ओतय विषहरा के चढ़ायल जाय छे। अहाँके कोन गाँव भेलै? सोबेपट्टी। सोबेपट्टी में की रिवाज छै, मतलब 15 दिन तक की सब होय छै से सब बता जल्दी? वही सुबह में पूजा होय छै, शाम में फूल लोढ़ल जाय छै। नमक खाय छै कि नै? नै, नमक नै खाय छै। नीक लागल? हाँ, बहुत महसूस होइए कि बहुत ज्यादा। की नाम भेलै? काजल झा। पिताजी? प्रथम कुमार मिश्रा। लोढ़े ला चंपा के कलिया,
फूल लोढ़ा चलू फूल बढ़िया सीता के संग सहेलिया के मांगे ला शिव सन भिखड़िया सीता के संग सहेलिया सखी फूल लोढ़ा चलू फूल बढ़िया सीता के संग सहेलिया फूल लोड़े चमेली फूल लोड़े सीताली फूल लोड़े चमेली फूल लोड़े लोड़े ला चंपा के फुलिया सीता के संग सहेलिया सिखिल फूल लोड़ा चलू फूल बढ़िया सीता के संग सहेलिया सीता राम बड़े मांगे राम बड़े सीता राम बड़े मांगे रुक्मिणी लक्ष्मण बड़े मांगे गौरा मांगे ला शिव से भी खड़िया सीता सहेलिया सखी फूल लोड़ा चलो फूल बढ़िया सीता के संग सहेलिया के